रब एक रसूल एक मगर मुसलमान नहीं एक, ऐसा क्यों कहा तो देखिए ये वीडियो। भाई कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला करके एक नफरत का माहौल खड़ा कर दिया गया है, जिससे मुसलमान लचर हालत में जूझता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमान के पास न कोई दिशा है, न उसके पास इन हालात से लड़ने के लिए कोई रणनीति है, ना ही उसके राजनीतिक नेता आगे आ रहे हैं, न उसके दीनी रहबर कोई भूमिका निभा पा रहे। ऐसे में मुसलमानों का हाल क्या है तो देखिए, ये खानदेश का भुसावल का एक वीडियो है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो चल रहा है, जिस मैसेज के साथ चल रहा है वो मैसेज भी हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि नावी से भुसावल जा रहा है ये व्यक्ति, मुस्लिम है और रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। ये मस्जिद सुन्नी मस्जिद कहलाई जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको बातचीत होते हुए दिखाई देगी वीडियो बनाने वाले व्यक्ति में और उसको रोकने वाले मुस्लिम युवकों में, मुस्लिम युवक इस व्यक्ति को मस्जिद में सिर्फ इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो वहाबी है और भी बहुत कुछ वो कह रहे हैं। तो ये हाल है मुसलमानों का, क्या लड़ेगा मुसलमान ऐसे हालात में अपने खिलाफ खड़ी की गई नफरत के, अपने खिलाफ फैलाए गए जहर के, किस तरह से लड़ पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये मुसलमानों की हालत जो है वो खड़ा करता है। देखो साथियों, मैं रास्ते में मस्जिद देख के नमाज के लिए रुका था। यह अहमदा में, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अमीन तड़वी। मोहम्मद अमीन तड़वी, अमीन तड़वी, अमीन तड़वी, इन्होंने मेरे को नमाज पढ़ने से रोका इधर। हाँ, क्योंकि ये वहाबी देवबंदी और नजदी है। इन्होंने मेरा चेहरा देख के पहचान लिया। हाँ, क्योंकि हमें सुन्नियों की और मैं बता था, मैं सुन्नी हूँ अनपी, समझे? हम मैं सुन्नी अनपी रहा, तुमने मेरा चेहरा पढ़ा, तुम ज्योतिष है क्या तुम? हाँ, ज्योतिष, ज्योतिष है क्या तुम? क्योंकि हमें जनजातियों की आ जाती है। यूट्यूब पर डालना है, डालो, फेसबुक पर डालना है, तुम जैसे जाहिलों के पुल खुलता ना।